नमस्कार, ट्रेडिशनल विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रूबरू हैं एक महत्वपूर्ण विषय, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो संदेश में हम इस विषय को 5 बिंदुओं में विभाजित करेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले कि इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन व्यक्ति एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। दूसरे बिंदु में जानेंगे कि कैसे बना जाए, कि यानी कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और इसके बाद जानेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें के बाद इसमें यह भी रहेगा कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, और फिर हम जानेंगे चौथे बिंदु के रूप में कि साइंस ऑफ इंटरव्यू जो साक्षात्कार है उसका विज्ञान क्या है, और अंत में हम जानेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, बैकबोन ऑफ सक्सेस और सक्सेस मंत्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति एक एजुकेशन का सबसे बड़ा पद शिक्षा विभाग में स्कूल एजुकेशन से लेके कॉलेज और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक सबसे बड़ा सोपान है। और इसमें देखिए योग्यता बहुत सिंपल है कि किसी एक विषय में स्नातकोत्तर, एमएससी, एमए, एमकॉम, उसके साथ एक एग्जाम, जी हाँ एक एग्जाम, और ये एग्जाम कौन कौन से में से एक, नेट जो साल में 2 बार होता है उसमें से एक, वो एक है, या सेट, या जिसको पहले कहते थे सलेट, सेट और पहले का नाम सलेट, या JRF जूनियर रिसर्च फेलो, यानी कि ये एग्जाम महज 1 दिन के और 3 घंटे के होते हैं। एक सर्वसाधारण विद्यार्थी स्नातकोत्तर यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम करने के साथ या करने के बाद तैयारी करके एकदम 1 दिन में, एक छोटे से एग्जाम में वो पास करने के बाद इस पद के लिए योग्य बन जाता है, यानी कि उसकी योग्यता पूरी हो जाती है। इसके बाद जब ये होता है तो ये सवाल था हमारा पहला कि कौन इसमें भाग ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। अब जुड़ते हैं दूसरे प्रश्न से कि कैसे बना जाए, क्या प्रक्रिया है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है कि आपके अभी एक एग्जाम होगा, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एक एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग या स्क्रूटनी एग्जाम। आजकल लगभग सभी जगह पे, सभी यूनिवर्सिटीज में और RPSC है जो स्टेट PSCs में, ये होता है। इसमें एग्जाम है और ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अभी मैं RPSC के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, राजस्थान की RPSC के संदर्भ में, तो आज मेरा फोकस उसी पे रहेगा। तो इस RPSC में 2 क्वेश्चन पेपर होंगे सब्जेक्ट के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट में एमए, एमएससी, एमकॉम किया है उस सब्जेक्ट के 2 पेपर, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 75 नंबर का है, 75 नंबर का पहला पेपर होगा, और दूसरा पेपर भी आपका 75 नंबर का होगा, यानी कि 75 + 75 ये हो गया 150। क्योंकि RPSC है तो इसमें राजस्थान का GK का एक पेपर रखा गया है, और उस राजस्थान के GK के आपके 50 नंबरों का एक पेपर होगा, और ये मिला के ये होते हैं आपके 200 नंबर। और विशेष बात यह कि ये नंबर ऐड होके आएंगे, यानी कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें ये ऐड भी हो जाएंगे। अब इसके बाद जब यहाँ पे स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि इस स्क्रीनिंग एग्जाम को जब आप
पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपका एक महज 24 नंबर का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा आपका साक्षात्कार 24 नंबर का। और इसमें से जो आपके टोटल मार्क्स जो आएंगे वो होंगे 224। अब यहाँ पे यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से और मुझे इस जॉब में हो गए अराउंड 20 ईयर, यानी कि 2 दशक का मेरा अनुभव जो स्टूडेंट्स से शेयर होता है लगातार, उससे ये सामने आया। और ये इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि स्टूडेंट के सामने जो थर्ड क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा हर्डल करता है कि तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक्स पढ़ें। डियर स्टूडेंट, आपको इस विषय पे एकदम बहुत स्पष्ट रास्ता है। यद्यपि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं बट मेरा अनुभव है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो इस स्टेप को पार करके निकले हैं। याद रखिए किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 60-70% बेसिक होता है, यानी कि आपके सब्जेक्ट का बेसिक, और बाकी जो पार्ट है वो आपका एडवांस होता है। एडवांस क्या, यानी कि आपका पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और उससे हायर यानी कि रिसर्च। अब सवाल है कि बेसिक किसको कहते हैं? यहाँ बेसिक का मतलब है कि यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, आप जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के आप विद्वान बनने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को शुद्ध रूप से आपने किस समय पढ़ना चालू किया था? वो आपने किया था 11th में, यानी कि आपका बेसिक शुरू हुआ 11th क्लास से, 11वीं क्लास से। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 11th को पढ़ना है, यानी कि 11th क्लास में जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, और 11th पढ़ने के बाद आपको 12th पढ़ना है। जब आपके 11th और 12th दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। ध्यान ये रखें कि 11th और 12th की बुक में से कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जो आपके समझ में ना आई हो, यानी कि ये आपका सिलेबस है। यद्यपि सिलेबस है यहाँ पे आरपीएससी के केस में, बट अगर जहाँ सिलेबस ना भी हो तो हम इसी को सिलेबस मानते हुए आगे का पेपर को हैंडल करते हैं। तो 11th और 12th को आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको आना है यूजी अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि आपकी बीए बीएससी पे। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बीएससी का, आपको बीएससी का पढ़ना है, ठीक है? तो जब आप यहाँ तक आप 100% आ जाते हैं तो आपका करीब करीब 50-60% पोर्शन आपका कवर हो जाता है, 50-60% कोर्स आपका कवर हो जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ आना है आपके ग्रेजुएशन पे, बीए और बीएससी पे। आपको बीए और बीएससी पे आना है। बीए और बीएससी में आ गए तो ये हमारा है, इसको आप ये माने कि एक मिडवे है आपकी स्टडी का। इससे नीचे आपका बेसिक है, इससे ऊपर आपका हायर है या एडवांस है। अब आप इसी होने के बाद आपको आपकी एमएससी या एमए पे आना है, यानी कि आपका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि आपका जो पीजी है ये एडवांस है, ये एडवांस है, इसको आप 50-50 मान सकते हैं। अब ये हो गया आपका तैयारी कैसे करें, ये मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, ये बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की। और जो राजस्थान का जीके है उसके बारे में मेरा ये राय है, सुझाव है कि आप 6th क्लास से लेके आप अपना जीके का शुरू करें, तो आपकी जो बेसिक फाउंडेशन मजबूत होने के बाद आप किसी भी बुक को, किसी भी कंपटीशन की गाइड को आप पढ़ने में, समझने में सक्षम होंगे और आपको अच्छा लगेगा। अब वापिस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, तो आपका ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया आपका एडवांस। अब क्या करना है, इसमें हमें एडवांस भी जरूरी है, क्योंकि याद रखिएगा कि आपके कंपटीशन में जितने भी लोग बैठ रहे हैं वो आप ही के इक्वल हैं, उन्होंने वही सारी बुक्स पढ़ी हैं।
तो ये ध्यान रखना, इसलिए हमारा बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक अच्छा होने के साथ साथ यहाँ पे आपके पीजी में एक स्पेशल पेपर होता है, एक स्पेशल पेपर होता है, एकेडमिकली आप उस पेपर के एक्सपर्ट माने जाते हैं, एकेडमिकली आप उस पेपर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आपको इस स्पेशल पेपर से संबंधित सारा आपका बेसिक, यानी कि यहाँ तक 11th 12th तक स्पेशल पेपर से बेसिक आपका, और इससे एडवांस यानी कि आपका स्पेशल पेपर आजकल कहाँ स्टैंड कर रहा है, यानी कि उसमें कौन से एरिया हैं जो रिसर्च के लिए बहुत फेमस है, वहाँ तक आपको एक बार पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, हमारी एक मिस्टेक ये होती है कि हम लोग सीधा यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारा बेसिक कमज़ोर रह जाता है, और बेसिक कमज़ोर रहने की वजह से यहाँ इसको पढ़ना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब हमारा ये बेसिक सॉलिड हो जाएगा तो ये हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारा कि तैयारी कैसे करें। अब अगला सवाल कि कौन सी बुक्स पढ़ें, बहुत सिंपल, ये आपके पास इसका आंसर है, वो बुक्स पढ़ें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। पहला सवाल कि वो पहला आंसर कि आप वही बुक्स पढ़ें जो आपने पढ़ रखी हैं, जैसे 11th 12th में आपने पढ़ी, बीएससी में पढ़ी, एमएससी में पढ़ी, उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ें, उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ें, क्योंकि वो आपकी स्टडी और बुक्स वो आपके द्वारा वेल डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि आपकी आपकी लैंग्वेज, उन राइटर की लैंग्वेज आपको वो अच्छी लगी, अच्छी लगती है, वो बुक्स का मैटर आपको अच्छा लगता है, सफिशियंट आपका मैटर था, इसीलिए आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पास करे हैं, आपने अच्छे नंबर भी लाए हैं, इसलिए नई बुक्स में ना जाएं। अभी पहले ये करें, इतना होने के बाद आप नई बुक में मूव कर सकते हैं, तब तक ना करें। तो सबसे पहला सवाल है कि वही वो बुक्स पढ़ें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, नई बुक्स नहीं पढ़ना। दूसरा है कि ये 11th और 12th के लिए एनसीईआरटी की कोई भी बुक ले लें, और एक और तरीका है कि स्कूल के बच्चे रेफरेंस बुक रिफ्रेशर के नाम से उनकी अलग से बुक्स आती है, रिफ्रेशर बुक्स में क्या होता है, क्या एडवांटेज है, वो रिफ्रेशर बुक्स ले लें। रिफ्रेशर बुक्स का एडवांटेज ये है कि उसमें जो चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अधिक दिए होते हैं, बहुत अच्छा, एनसीईआरटी के कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और इंटरप्रिटेशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए आप रिफ्रेशर बुक पढ़ें 11th और 12th की, बीएससी की आप वही बुक्स पढ़ लें जो आपने पढ़ी हैं, इन द सेम वे एमएससी की भी आप वही बुक्स पढ़ें जो आपने पहले पढ़ी हैं। इसके बाद जब इतना हो जाता है तो आपका सब्जेक्ट इस पोजीशन में आ जाता है कि आप उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, और इसी सब्जेक्ट के बेस पे आप जो आपको वाइवा होगा, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वो उस क्वेश्चन को भी आप हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट, साइंस ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार का विज्ञान क्या है। साइंस ऑफ इंटरव्यू में, इसको अगर दूसरे भाषा में कहें या सरल भाषा में कहें कि इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि ये एक संवाद की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन फॉर व्हाट, कम्युनिकेशन फॉर योर नॉलेज, कम्युनिकेशन फॉर योर, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है उसका कम्युनिकेशन, और आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, आप उस जॉब में जाने के बाद, यानी कि आप कॉलेज में जाने के बाद आपका जो नॉलेज है वो किस तरह से वहाँ के स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहेगा, इस चीज़ का कम्युनिकेशन देखा जाता है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ योर नॉलेज और आपका जॉब प्लस जॉब, यानी कि आपका नॉलेज इस जॉब के लिए किस तरह से आप, जो आपके सामने इंटरव्यू का बोर्ड बैठा है, पैनल बैठा है, वहां तक आप उसको पहुंचा देते हैं, यही है इंटरव्यू। अब इसमें ध्यान क्या रखना, पहले इसकी ध्यान रखना से पहले इसकी स्ट्रक्चर समझ लें, कि ये समझना जरूरी इसलिए है कि कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सर मुझसे दो सवाल पूछे थे, मैंने दोनों के बहुत बढ़िया आंसर दिए थे, और उसके बाद मेरे से कुछ नहीं पूछा,
और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं कुछ विज्ञान के जो हमारा NLP है उसका मैं विज्ञान के कुछ फैक्ट भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जो प्रोसेस है यानी कि आप कम्युनिकेशन पूरा प्रोसेस मतलब है जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं, चैम्बर में एंटर होते हैं, वहां से लेके जब आप बाहर निकलते हैं वहां तक की जो पूरी प्रोसेस है, वहां तक यानी कि जैसे आप एंटर हुए वहां तक की पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरह वो काम आती है। देखते हैं कि जब आप वहां पूरे प्रोसेस में जो शब्दों का एक्सचेंज होता है यानी कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आंसर देते हैं, दैट इज वर्ड्स यानी कि शब्दों का जो ट्रांसमिशन है वो केवल 7% इफेक्टिव है। यानी कि आपने बहुत अच्छे आंसर दिए तो आपका 7% तक आपकी सक्सेस सुनिश्चित मानी जाती है। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि आपने आंसर दे रहे हैं तो आपकी वॉल्यूम कैसी है, आपकी टोनेलिटी कैसी है यानी कि आपकी आवाज क्या ऐसी है कि आपके सामने 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आपके जो लास्ट स्टूडेंट बैठा है उस वहां तक क्या आपकी आवाज ऑडिबल है या नहीं है, ये टोनेलिटी। फिर आपकी आवाज किस तरह की है यानी कि आपका आवाज में मॉड्यूलेशन है या नहीं है, एक ठहराव है या नहीं है, क्योंकि आपके सामने हर लेवल का बच्चा बैठेगा यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कम वॉल्यूम को भी सुन लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको वॉल्यूम ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपके सामने डिफरेंट सिचुएशंस भी होंगी, हमें हर सिचुएशंस में स्टूडेंट से रूबरू होना है, तो उसमें हमारा वॉल्यूम कैसा है, हमारा पिच कैसा है, वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वॉल्यूम और टोनेलिटी। हम ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज कर रहे हैं वो भी हमारा इसी में आ जाएगा। ये 36% पार्ट है जो हमारे गले से होके गुजरता है, ध्यान दीजिए ये 30, अगर हमारा गले से होके गुजरने वाला पार्ट हमारा बहुत स्ट्रांग है और वर्ड्स हमारे स्ट्रांग है तो आप इसे टोटल कर लीजिए, आपकी सक्सेस इतनी सुनिश्चित हो जाती है। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी बॉडी लैंग्वेज को IAS के एग्जाम में बोलते हैं GD, ग्रुप डिस्कशन पे जो फोकस किया जाता है, सेम वही चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या, यानी कि आप कितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, आप से बच्चे ने सवाल पूछा, आपने काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आपकी वर्ड से पहले आपका जो बॉडी का हाव भाव है वो कैसा है, आपको कॉन्फिडेंट है, आप बच्चे को डांटना चाहते हैं या किस तरह से आपका है, दैट इज अ बॉडी लैंग्वेज। और ये अब इस बॉडी लैंग्वेज में इसको और मैं सिंपल से इसको और एक्सप्लेन करूं तो जैसे ही आप रूम में एंटर हो जाते हैं, जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं वैसे ही आपका ये एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है बॉडी लैंग्वेज। जैसे ही आप शुरू होते हैं ये आपका बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट हो गया, जैसे ही आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जैसे ही आप संबोधन करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो आपका ये शुरू हो गया, और जैसे ही क्वेश्चन आंसर की बात आती है तो आपका ये एग्जाम शुरू हो जाता है। और एक और चीज़ याद रखें कि जो हमारा जो माइंड है इसका एक साइंस है, एक रिसर्च कहती है कि फर्स्ट 30 सेकेंड जो है उस फर्स्ट 30 सेकेंड में हमारा माइंड जजमेंटल हो जाता है, यानी कि हम पहले 30 सेकंड में ही हम किसी के प्रति एक निर्णय बना लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि ये कैसा जाएगा। इसलिए याद रखिए कि आपका जो फर्स्ट 30 सेकंड यानी कि आप जो एंट्री जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब क्या, अच्छी का मतलब कि हम बाहर से ला नहीं सकते, हायर हो नहीं सकती, तो आपका जो रियल जो नॉलेज है वो आपका प्रेजेंट होना चाहिए। रियल नॉलेज का मतलब क्या, रियल नॉलेज का मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है यानी कि आप जो 3 पेपर पास करके आ रहे हैं उन तीनों पेपरों को इस तरह से तैयार करना है कि एक ही क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको किस एंगल से करेंगे, और उसी पे आपसे वाइवा में यानी कि वर्बल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे आंसर देंगे। डेफिनेटली आंसर दोनों के एक ही होंगे बट दोनों का प्रेजेंटेशन है
वो अलग अलग होगा। तो आप मेरी ओपिनियन है कि आप अभी से तैयारी इस तरह से करें कि आपका सिलेबस को, आप जो भी टॉपिक पढ़ें, आप ये मान के चलिए कि यही टॉपिक मुझसे एग्जाम में पूछा जाएगा और यही टॉपिक मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जब आप इस एंगल से आप इसको लेके चलेंगे तो आपके लिए ये एक बहुत आसान होगा। और रियलिटी का मतलब है कि जो आपका नॉलेज है, जिसको आपने समझा है, अंडरस्टैंड किया है, वही आपकी रियलिटी है। तो इसके बाद अब यहाँ पे जो मेजोरिटी में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिक रहते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मेजोरिटी में, मैं 100% की बात नहीं कह रहा हूँ, मेजोरिटी में बेसिक क्वेश्चन, बेसिक सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे बॉटनी से मैं हूँ तो बॉटनी में एक टैक्सोनॉमी जो पेपर है वो बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अब आ गए हैं बैकबोन ऑफ सक्सेस, सक्सेस मंत्रा। सक्सेस का बैकबोन क्या है? बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर सब कुछ पढ़ा मगर रिजल्ट वो नहीं है। तो यहाँ आपसे मैं तीन सवालों से आपको जोड़ता हूँ और तीनों सवालों के जवाब आपके सक्सेस की बैकबोन को बिल्ड करेंगे। तीन सवाल कौन से हैं? तीन सवाल हैं, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए। इस सवाल का जवाब आपके पास है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी दूसरा सवाल है, व्हाई, मैं क्यों बनना चाहता हूं, मैं क्यों बनना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके आंसर आपको अपने अंदर से निकालने होंगे। इसलिए नहीं कि मेरे घर वाले चाहते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट के लोग चाहते हैं या सोसाइटी के लोग चाहते हैं, ये नहीं, खुद के अंदर से एक बहुत बड़ी हंगर, एक बहुत बड़ी नीड, और इतना कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। और इसको अगर हम लिंक करते हैं कि मुझे, मैंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ये मेरा रिजल्ट है, यानी कि इसको बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है। तो जितना जैसे जैसे आपका वाई का आपको आंसर आते रहेंगे तो आपकी सक्सेस सुनिश्चित होती चलेगी। आपकी बैकबोन, ये आपकी बैकबोन का मेन पार्ट है। और उसका अगला पार्ट है, वो है वेन, कब, यानी कि कौन सी पीएससी में, कौन सी जगह। इसका आंसर अगर यही है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी आरपीएससी में जाना है, सिर्फ और सिर्फ इसी आरपीएससी में, तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर ये कि अब नहीं तो अगली बार सही, यहां नहीं तो वहां सही, वहां नहीं तो वहां सही, तो हमारी बैकबोन कमजोर हो जाती है। और हम जानते हैं कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी अगर हमारी कमजोर हो तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब इसका, इसको बैकबोन करने का जो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, ये एक मेरा सीक्रेट भी है जो आपसे मैं साझा कर रहा हूं, कि वो सीक्रेट ये है कि ये हमारे पास हो गया, इसको रख दीजिए संभाल के। अब हमें ये तैयार करना है, ये मेरा जो वाई है, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे जैसे कि ये एक ऐसा जॉब है जहां आप हमेशा यूथ के अंदर रहते हैं, ये एक ऐसा जॉब है ऐसा जॉब है जहां पे स्टूडेंट आपके पास उस मुकाम पे आता है जहां से उसका एक अपनी नई जिंदगी बननी है, उसका एक रोजगार या उसका एक फ्यूचर सेटल होना है, वहां आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आप जो मर्जी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर सकते हैं, आप और किसी जॉब में भी कर सकते हैं, बट आपका आंसर ये होना चाहिए मुझे तो यहीं जाके करना है, तो आपका वाई मिलेगा। यानी कि आप इसको प्रैक्टिस के लिए रोज सुबह शाम दोपहर, कम से कम शाम को सोने से पहले और उठते ही, यानी कि आपके जो पहले 15 मिनट हैं
नींद से आंख खुलते ही आपके पास ये वाई आते रहना चाहिए, और शाम को सोने से 15 मिनट पहले कि मैं क्यों बनना चाहता। जैसे जैसे आपको वाई के आंसर आपको मिलते चलेंगे, आपकी बैकबोन और अधिक मजबूत होती जाएगी। और मेरा सीक्रेट यह है कि जैसे ही आप पेपर फर्स्ट पढ़ें, इस पेपर फर्स्ट को आप दो काम करेंगे। एक काम तो ये करेंगे कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ पेपर फर्स्ट का, आप पहले पेपर फर्स्ट में जो भी आप पहली यूनिट पढ़ रहे हैं उस यूनिट को आप एक तो ये देखेंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यही सवाल मेरे ऑब्जेक्टिव में आएगा, मेरे स्क्रीनिंग एग्जाम में आएगा, और यही सवाल मेरे से इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा। बस ये एक माइंड सेट बना कि फिल्टर लगा के रखना दिमाग में कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आएगा ही आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे रिटन टेस्ट में आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे मेरे इंटरव्यू में आएगा। इसी तरह से आप पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, यानी कि पेपर का हर सिलेबस, की हर लाइन को आपको पहले काम ये जोड़ना है कि मेरा आएगा, दूसरे पार्ट में आपको उसको आपके वाई से जोड़ना है, हमारे जो सर हैं, मेंटोर हमारे, वो कहते हैं कि जब भी तुम पढ़ने बैठो और थक जाओ तो याद कर लेना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें स्टडी करवाने के लिए, तुम्हें पैसे देने के लिए, तुम्हारे एक अच्छे लाइफ को बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या वो थकने लग जाएं अगर मान लो घर के लोग फार्मर हैं, खेती का काम करते हैं, वो अगर काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। मान लो आपके घर वाले नौकरी पैसा है, वो मान लो वहाँ पर नौकरी पर जाना बंद कर दें तो क्या होगा। जब वो हमसे बड़ी उम्र के हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, उनके पास दिमाग के बहुत सारे स्ट्रेस हो सकते हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं और होती हैं, ऑफिस की, खेती की, घर की, उसके बाद वो लगातार काम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ कम से कम, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ, कि जितने घंटे आपके घर वाले काम करते हैं, जितने घंटे आपके पेरेंट्स काम करते हैं, यानी कम से कम वो व्यक्ति काम करते हैं जिनसे आपके पास पैसा आ रहा है, जिनसे आप, तो कम से कम वहां तक तो आपको अपना काम करना ही करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो संदेश। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी सहायता की ज़रूरत हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ, आप उस पर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके किसी साथी के साथ आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। और ये इस वीडियो में पूरी तरह से मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरे दो दशकों का मेरे स्टूडेंट के साथ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव को मैंने शेयर किया है। थैंक यू।